आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दोस्तों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले शोमैन, मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और टॉप मोस्ट हीरो राज कपूर जी के साथ काम किया था, और वो भी 1950 में। उस फिल्म का नाम था सरगम। प्रोड्यूसर थे एस मुखर्जी, डायरेक्टर थे पीएल संतोषी और हीरोइन थी रेहाना, जो बाद में पाकिस्तान चली गई थी। उस फिल्म का एक गाना बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, मेरा नाम है भीम पलासी। उस गाने पर मैंने राज अंकल के साथ खूब डांस किया था, कुछ इस तरह। hey, मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी। मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी 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 भीम पलासी, भीम पलासी, भीम 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 भीम। मैंने और राज अंकल ने इतने जोरों में डांस किया था, इतनी इंटेंसिटी के साथ डांस किया था कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, और थकने की वजह से हम दोनों के मुंह में से झाग निकलने लगा था। मेरे पापा की बड़ी गहरी दोस्ती थी राज अंकल के पिता श्री पृथ्वीराज जी कपूर के साथ। फैमिली फ्रेंड थे, इसलिए एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन राज अंकल ने मेरे मम्मी पापा से कहा, अरे 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 अरे, आपने खाम खाम अपनी बेटी का नाम रख दिया है बेबी तबस्सुम। अरे इसका पेट नेम कितना अच्छा है, आप सब बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता हूँ किन्नी। आह, किन्नी कितना अच्छा लगता है, म्यूजिकल वर्ड है। आपने इसका नाम बेबी तबस्सुम की बजाय बेबी किन्नी क्यों नहीं रखा। खैर कोई बात नहीं, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बरसात, उसमें एक नई हीरोइन को ब्रेक दे रहा हूँ, और उस नई हीरोइन का नाम है नवाब बेगम। उसका फिल्मी नाम मैं रख देता हूँ किन्नी। ये सुन के मैं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और राज अंकल से कहने लगी, नहीं राज अंकल, मेरा नाम आप किसी दूसरी हीरोइन को मत दीजिए, किन्नी मैं हूँ, मुझे किन्नी रहने दीजिए, उसका कुछ और नाम रखिए। तो राज अंकल ने उस हीरोइन का नाम रख दिया किन्नी की बजाय निम्मी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। 1986 में मैंने एक फिल्म बनाई थी करतूत, आतंकवाद पर। मैंने राज अंकल से कहा कि राज अंकल, मैं चाहती हूँ कि मेरी इस फिल्म का नेगेटिव कटिंग आप अपने मुबारक हाथों से करें। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो नहीं आ सकूंगा, लेकिन तुम ऐसा करो अपनी यूनिट को लेके मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। हम सब उनके घर पे गए, उन्होंने मेरी फिल्म का नेगेटिव कटिंग किया, मुझे बहुत प्यार किया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ऐसी पुरानी और सुहानी यादें भी मैं शेयर करती रहूंगी आप सबके साथ, लेकिन आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।